क्या बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बहुत सीरियस नहीं है? वेल, ऐसा लग रहा है, मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत 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 सीरियस है, क्योंकि जय शाह ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही इस बात की अनाउंसमेंट कर दी कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के कैप्टन होंगे, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ये भी कह दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी को रोहित शर्मा की अगुवाई में हम जीतेंगे, वो इंडिया आएगी। इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट, इट्स अ गुड स्टेटमेंट, ऐसा T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो फिर नजर आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ना कोई क्लैरिटी है और ना तैयारियों के लिए कोई वक्त दिया गया। मतलब कहने को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में है, फेब में मार्च में पाकिस्तान के अंदर इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, लेकिन एक तरफ अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान जाएगी, वहां खेलेगी या फिर किसी और कंट्री में खेलेगी, क्योंकि जहां पर भी खेलना होगा उस हिसाब से टीम की प्रिपरेशन करनी होगी, उस हिसाब से टीम का सिलेक्शन करना होगा। मसलन जैसे अमेरिका में मैच था, तो अमेरिका में आपको पावर हिटर नहीं चाहिए थे, अमेरिका में आपको वो खिलाड़ी चाहिए थे जो ठहर कर रुक कर समझदारी से खेलें और स्कोर बोर्ड को चलाएं ताकि डिसेंट स्कोर बन पाए। लेकिन जब आप पाकिस्तान में खेलते हैं तो आपको वो खिलाड़ी चाहिए जो तगड़े खेलते हों, लेकिन यही मैच अगर UAE में होता है तो फिर वहां कहानी अलग हो जाती है। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया के पास सिर्फ 6 मैचेस हैं। आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग, सिर्फ 6 वनडे मैच है। इंडिया के 3 वनडे मैच हैं श्रीलंका के सामने, जो कि अगस्त महीने में पड़ने वाले हैं, जहां पर ना रोहित शर्मा होंगे, ना विराट कोहली होंगे, ना जसप्रीत बुमराह होंगे, और शायद रविंद्र जडेजा भी नहीं होंगे। तो ये 3 मैचेस की कोई इंपॉर्टेंस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रहने वाली है श्रीलंका वाले, क्योंकि श्रीलंका मैचेस का कोई असर ही नहीं है। श्रीलंका वाले मैचेस हम यहां खेलेंगे और जो टीम खेल रही होगी शायद वो आधी टीम बाद में जाएगी भी नहीं। दूसरा जो 3 मैच बचा है वो है इंग्लैंड के साथ फेब में। अब पॉइंट ये है कि क्या इंग्लैंड के साथ 3 वनडे मैचेस खेलकर ही हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। केवल 3 मैच के भरोसे हम जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रिपरेशन नहीं है। अब तक जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक इंडिया के पास सिर्फ यही 3 मैचेस हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होंगे, और सवाल यही उठता है कि इस तरह की प्रिपरेशन को लेकर कैसे मामला चलेगा, क्योंकि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की डेट दे दी है। इंडिया का मैच 20 फरवरी को है, 23 फरवरी को है और फिर 1 मार्च को है। 20 तारीख को बांग्लादेश के साथ है, 23 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ है और 1 मार्च को पाकिस्तान के साथ मैच है। अभी तक जो शेड्यूल के हिसाब से है वो है लाहौर में, लेकिन यही मैचेस अगर इंडिया नहीं जाएगी तो किसी और देश में होंगे। उस देश की कंडीशन अलग होगी, उस देश के हिसाब से प्लेयर का सिलेक्शन अलग होगा, और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या BCCI तैयारी नहीं कर रही है। हालांकि BCCI खुद नहीं पता कि उसका लीड कौन करेगा, क्योंकि जय शाह जो फिलहाल सचिव हैं उनके बारे में खबरें आ रही कि हो सकता है ICC के प्रेसिडेंट बन जाएं। अगर वो ICC के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, ये फुल्ली उन्हें डिसाइड करना है, उनके कंट्रोल में आएगा, तो फिर वहाँ पर तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा बचते नहीं है। लेकिन अगर जय शाह हेड नहीं बनते, BCCI हेड रहते तो फिर कहाँ जाए कहानी, क्योंकि जय शाह ने ये तो बता दिया कि इंडिया की कैप्टेंसी रोहित शर्मा करेंगे। उन्होंने कह दिया कि भाई आई एम कॉन्फिडेंट दैट अंडर द कैप्टेंसी ऑफ रोहित शर्मा हम जीतेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी। बट पॉइंट ये है कि फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए हमें तैयारी चाहिए, और तैयारी के नाम पर हमारे पास सिर्फ 3 मैचेस हैं, सिर्फ 3 मैच हैं। That's insane कि हमारे पास वनडे के मैचेस हैं ही नहीं, और वनडे और T20 अलग फॉर्मेट है। रोहित शर्मा T20 भी नहीं खेलते हैं, रोहित शर्मा सिर्फ वनडे खेलते हैं, तो वनडे में इतने लंबे ब्रेक के बाद क्या सिर्फ 3 मैच खेलकर उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसी सवाल की वजह से ये सारी बातें उठ रही। 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी होना है। इंडिया के ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड है, और बी ग्रुप जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान जैसी टीम है। लेकिन सवाल यही है कि बिना तैयारी के क्या इंडिया यहाँ पर खेलने जाएगी तो अच्छा खेलेगी? गौतम गंभीर आए हैं, लेकिन फिर बात वही, गंभीर और रोहित का साथ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 3 मैचेस का होगा ODI। क्या 3 मैच काफ़ी होते हैं किसी टीम की तैयारी के लिए?
हालांकि गंभीर के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, इस बार उनके कार्यकाल में कई ट्रॉफी है, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी है, 2025 का WTC फाइनल है, 26 का T20 वर्ल्ड कप है और 27 का वर्ल्ड कप है। चार चार ट्रॉफी है जिसमें से इंडिया एक्सपेक्ट करे कि अब से दो तीन तो हम लेकर आए। बट बिग क्वेश्चन इज अबाउट प्रिपरेशन। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के पहले भी सिर्फ 3 मैचेस खेले थे, ODI वर्ल्ड कप के पहले भी 3 मैचेस मिल रहे हैं। हालांकि T20 में एडवांटेज क्या था कि वो IPL खेल कर आए थे, तो IPL का एक्सपीरियंस फायदा करता है। दूसरा, वो ODI में भी वर्ल्ड कप में T20 की तरह खेल रहे थे, तो काफी एक्सपीरियंस था। बट पूरी टीम इंडिया का एक फॉर्मेट में लाना, क्योंकि अब टीम बदल रही है, अलग अलग टीम दिखाई पड़ रही है, कई सारे प्लेयर अंदर बाहर हो रहे हैं, ऐसे में सिर्फ 3 मैचेस क्या इनफ तैयारी होगी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले? बिग क्वेश्चन।